मार्च और अप्रैल का टाइम था और माहौल थोड़ा गर्म था। एक बहुत ही अच्छे स्पेल के बाद यूनाइटेड जब गेम जीते जा रही थी औकात सामने आ रही थी, लौड़े लग रहे थे और दबा के लग रहे थे, क्योंकि ना उससे पहले बकचोदियां बहुत थी। ये ओले एट द व्हील, ये पीएसजी की विक्ट्री, वो लक, वो फुलबैक्स को आगे करना, बहुत चीजें हुई। तो एक रियलिटी चेक मिला कि भैया मैं मोल्डे से हूँ, मैं कार्डिफ सिटी को मैनेज कर चुका हूँ, वहाँ भी रेलीगेट हुआ मैं। तो ये थोड़ा बड़ा शो बिजनेस है, यहाँ पर थोड़ी तमीज से बात करें। तो जब भी जिंदगी लौड़े लगा रही हो, एक चीज हमेशा करना, एस्केप करो, फ्यूचर पे या पास्ट पे ब्लेम करो। तो ओले से जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि भैया क्या करना है, अब क्या हो रहा है, ओले ने एक ही चीज बोली कि यार आई कांट वेट फॉर प्री सीजन टू स्टार्ट, जल्दी स्टार्ट हो, आई वॉन्ट माई मैन यूनाइटेड टू रन द मोस्ट, सिंपल सी बात। तो उसके लिए मुझे प्री सीजन में काम करना है, फिर ना अगेन मैं गड़े मुर्दे इतने नहीं उखाड़ूंगा, जो हो चुका है मैं रिव्यूज डाल चुका हूँ। प्री सीजन चल रहा है और कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे ही पूरा मार्च और अप्रैल निकला था, तो अब ये चल रहा है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। जस्ट लाइक एवरी टॉप 11 क्लब, यूनाइटेड की भी सारी गेम्स फॉलो कर रहा हूँ, तीनों गेम देखी, गेम्स पर्थ ग्लोरी, लीड्स यूनाइटेड एंड रिसेंटली इंटर मिलान, तीनों गेम्स में विक्ट्री विन। ओके लेट्स सी कि हुआ क्या, टैक्टिकली क्या चल रहा है। सॉरी उससे भी पहले स्क्वाड यूनाइटेड में क्या चल रहा है, क्या स्क्वाड है। आओ मां कसम, अगर मैं लुकाकू और मैं बेंच पे बैठा हूं इंटर के अगेंस्ट और मैं इंटर को खेलते हुए देख रहा हूं, मैं नहीं जा रहा इंटर लौड़ा टीम है। जिस हिसाब से इंटर प्लेड अगेंस्ट यूनाइटेड, एंटोनियो कोंटे क्या हो गया, क्या वो आंटी गेंद, जिस हिसाब से यूनाइटेड हैव बीन प्लेइंग द प्री सीजन, नॉट ओनली रिजल्ट्स, जिस हिसाब से दे हैव बीन प्लेइंग, आई वुड स्टे एट यूनाइटेड। पर यार शुरुआत का धोखा ना हो जाए, क्योंकि वैनगाल भी प्री सीजन में बहुत सारी चीजें जीता था। आगे मैं कुछ बोलूं, पोगबा की सिचुएशन भी क्लियर नहीं है, युवेंटस मॉरिजियो सारी जिडान वेरी क्लियर कि उसको चाहते हैं वो, पर ओले भी वेरी क्लियर तो फंस चुका है यार, त्रिवेणी बन चुके हैं पोगबा की तो, बट बंदे में टैलेंट इतना कि जो वो बोलेगा उसको मिल जाना चाहिए, उसका एजेंट पे टू है मुझे पता है, बट पैसे मेरे को लगता हो जाएगा कुछ ना कुछ, एंड जो पोगबा बोलेगा वही होगा मेरे हिसाब से, पोगबा प्लेयर पावर अनफॉर्चुनेटली यही चलता है। एंड यूनाइटेड हैव साइन टू प्लेयर्स, एरन वन बिसाका, डेनियल जेम्स, दोनों आग मूत्रे लिटरली। फाइट ऑफ दैट हैरी मैग्वायर, शॉन लॉन्गस्टाफ तो मर ही गया केस शायद से, ब्रूनो फर्नांडिस, अरे तेरा एजेंट आया था ये मैनचेस्टर में, कहां चला गया, आया नहीं अभी तक। एंड अगेन जैसे कि मैंने बोला, एक स्ट्राइकर ब्राइकर मेसन ग्रीनवुड खड़ा कर रहा है, बट ऑल सीजन लॉन्ग इतना नहीं कर पाएगा, वायगरा खाना पड़ेगा, वायगरा यानी कि विसाम बेन येदर, ऐसे ऐसे बंदे स्ट्राइकर चाहिए, क्योंकि अगर लुकाकू जाता है, जो अब पता नहीं इंटर के बाद, इंटर के खेल के बाद मुझे लग नहीं रहा, तो यू नीड रिप्लेसमेंट, डिस्पाइट ऑफ रिलाइंग ऑन रैशफर्ड, उसको इतना तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, इतना नहीं हो पाएगा। यंग टैलेंट इंप्रेस कर रहा है, एंगल गोमेज, परेरा, चोंगी, मेसन ग्रीनवुड, मैक्टोमिने, सब जेम्स गार्नर, सब आ रहे हैं, सब अपनी बेंच से उठ रहे हैं, गांड उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। प्रीसीजन का मोटो यही है, गांड उठाओ, काम करो, सिंपल। तो ये तो स्क्वाड हाथ में, अब फील्ड में क्या हो रहा है ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो जब मोरिनियो गया, ओले आया, 4-2-3-1 फुलबैक्स आ गए, नंबर 10 पोगबा, सिंपल काम खत्म। फोकसिंग ऑन वन थिंग, एक मैनेजर अगर कह रहा है कि मुझे भागने वाले भड़वे चाहिए, एक मैनेजर मुझे कह रहा है कि ओके यूनाइटेड शुड रन द मोस्ट, तो देखते हैं वो फिलोसफी कितनी ट्रेनिंग में अप्लाई हो रही है। अभी तक तीनों गेम में यू सी डेनियल जेम्स हैज बीन प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 4-2-3-1 ये सिस्टम सबसे ज्यादा चला है, 4-2-3-1 इनसाइड फॉरवर्ड, 4-2-3-1 में सब, देखो अगेन एक फॉर्मेशन में सब सबका इंपॉर्टेंट रोल है, बट स्पेसिफिकली अगर इस फॉर्मेशन की खास बात करी जाए, 4-2-3-1 इनसाइड फॉरवर्ड्स, अगर इस फॉर्मेशन में इनसाइड फॉरवर्ड्स बहुत तेज हो यहां से भी और पैरों से भी, तो मैनेजर की वाही वाह, उसके तो काम बन गए। डेनियल जेम्स ऐसे भागता कुत्ता पीछे पड़ गया, बुलडॉग वो भी। जब भी तो खुद करो, जब भी तुम्हारे इनसाइड फॉरवर्ड्स इतने तेज भागते हैं, तुम्हारे जो ऑपोजिशन के फुलबैक्स होंगे तो उनके तो लौड़े लग जाएंगे, उनको तो ओवरलैप कर करके बट देन सुनो Now you need someone to give that ball, and that someone mostly is Pogba. So, मैं इतना emphasis डाल सकता नहीं कि Pogba कितना important है, अब धीरे धीरे दिख रहा है कि he is happy, मोजो में आ रहा, बट यार वो एंड में खुशियों में लाके काट दे, वो अच्छी फीलिंग नहीं है, वो दिल को लगता है। एरन वैन बिसाका, स्पाइडर, अरे इतने लॉन्ग लेग्स कहां से ले आई तू, बंदे के टैकल, बंदे का फॉरवर्ड में इम्पिटस, दो साइलेंस की वजह से ट्रस्ट मी, मैंने तीनों गेम देखे, दो साइलेंस की वजह से दिस टीम लुक्स अ डिफरेंट एनिमल, ट्रस्ट मी। लिंगार्ड का अच्छा जा रहा है, विक्टर लिंडलॉफ का अच्छा जा रहा है, पोगबा फाड़ कर रहा है बहुत, अभी पिछली गेम में मार्शियल वाज प्लेइंग एज स्ट्राइकर, तो तुमको समझ आ रहा है सिंपल सी बेसिस से डिमांड हर एक कोच की, यूरोपियन फुटबॉल में मुझे फाइनल थर्ड में फ्लूइडिटी चाहिए, मुझे रोटेशन चाहिए, मुझे मार्शियल वाइट चाहिए, फिर रैशफोर्ड अंदर चाहिए, डिसऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन पहले बता चुका हूं। प्रैक्टिकली तुमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना कि एवरीवन इज एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, यानी कि फ्रीडम इक्वल मेजर्स पे विद पेस, भागने वाले भड़वे। आई फील अ बिट बैड फॉर दालो,
मोरिन्यो कह रहा था यूनाइटेड हैव लेफ्ट बैक फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, नहीं नहीं लौड़ा भी नहीं। एलन वैन बिसाका संभाल रहा है आराम से, वो बहुत फाड़ा है। एश्ली यंग की छुट्टी हुई है, दिल पे दिल को सुकून मिल रहा है। कि फिर भी फिल जोन्स जो ब्लॉन्ड हो जाता ना यार, ब्लॉन्ड मत हुआ कर ऐसी हेयर लाइन के साथ। बट ओके ओके, थोड़ी हाइप को कम लाए, प्री सीजन है ठीक है, इधर आ जाओ। अभी तो सारी गेम्स हुई भी नहीं है, तो सीजन स्टार्ट होगा। पहली गेम इज अगेंस्ट चेल्सी, अभी तक तो बिल्कुल सही फेयर आउट कर रही है, टैक्टिकली भी और फिटनेस लेवल जो डिमांड कर रही थी। मैटिच जैसा प्लेयर भी अगर बॉक्स के 8 यार्ड अराउंड घूम रहा है, यानी कि फिटनेस लेवल पे एम्फेसिस जा रहा है, तो सब कुछ सही चल रहा है। बट झटका तभी आएगा जब पोग्बा या अपना लुकाकू या कुछ बकचोदियां करें, दोनों में से कुछ हुई ना, तब झटका आएगा मेन। तो पहले से ही बैकअप बना के रख लो, ब्रूनो फर्नांडिस के एजेंट को चुदा लो, कर लो। अब तो बेल भी छुट्टी में आ गया, हाँ जी पकड़ो उसे, मैग्वायर को सील करो। एड वुडवर्ड, तू कैशियर है, तू बिजनेसमैन है, तू पढ़ा लिखा है, विद्या को लगा डिग्री का कुछ फायदा नहीं है क्या फिर? बाकी लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यूनाइटेड के तीनों गेम देख के बहुत अच्छा लगा, काफी मजा आया, इंटरेस्टिंग गेम थे तीनों के तीनों जो मैंने देखी। ऑफकोर्स सीखने को तो मिला ही, बट ऑन अ पर्सनल लेवल दो साइनिंग्स इतना कुछ डिफरेंशिएट कर सकती है एक टीम में, कैसे वाइब ला सकती है, एक नया फेस, एक जवान लंड जो वाइब ला सकता है। दिस इज आउट ऑफ साइकोलॉजी, सिंपल सी बात। लॉन्ग मे इट कंटिन्यू, प्री सीजन तक ही मुझे पता, उसके बाद सीजन में आगे नहीं है, मुझे पता है। बट डेफिनेटली अगर आर्सेनल चेल्सी कुछ ना कर पाए तो, क्योंकि चेल्सी तो कोवास्ता की फ्रंटाले को नहीं हरा पा रही, वहां बाबा तो अलग ही कहानी चल रही है। और आखिरी बार, हर यूनाइटेड की वीडियो की तरह, हमेशा एंड में मैं ये चीज बोलूंगा और तब तक बोलूंगा जब तक ये रुक नहीं जाती, गलती से भी अगर पहली गेम अगेंस्ट चेल्सी यूनाइटेड जीत जाए अच्छी तरह, डू नॉट से ओले एट द व्हील, मैं व्हील को गांड में डाल दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा।